हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं सेकंड क्लास की हिंदी का फर्स्ट चैप्टर, कोयल। कोयल देखी है ना? अब यहाँ पे देखो, ये पेड़ है और पेड़ के अंदर भी तुम्हें एक पक्षी दिखाई दे रहा है ना? दिख रहा है? क्या है ये? यही तो कोयल है ना? कोयल तुमने सुनी है? जब बारिश होती है तो हमें ज्यादातर कोयल की आवाज सुनाई देती है। कैसे बोलती है? कू कू, है ना? तो आज हम कोयल के बारे में पढ़ते हैं। देखो कोयल कू कू करती, लगती कैसी प्यारी है। मतलब कोयल जो कू कू की आवाज करती है तो बहुत प्यारी लगती है। इसकी बोली तोते चिड़िया और सभी से न्यारी है। कि इसकी आवाज जो है वो तोते चिड़िया सभी जो भी पक्षी हैं उन सबसे अलग है। इसको लोग चाहते क्यों हैं, क्यों करते इसका सम्मान। अब सभी ये सोच रहे हैं कि भाई पक्षी तो और भी हैं, इससे सुंदर भी हैं, लेकिन इसी को क्यों सम्मान मिलता है, लोग इसी को क्यों चाहते हैं। यह तो निरी कलूटी होती पाती है सबसे सम्मान। कलूटी मीन्स काली, सम्मान इज्जत। ये काली भी है, ज्यादा सुंदर भी नहीं है, लेकिन फिर भी सभी इसका आदर करते हैं। क्यों भाई? कारण केवल यह है, प्यारे बोल सुनाती है। भाई इसका एक ही कारण है, सभी इसका सम्मान करते हैं, क्योंकि ये मीठी मीठी आवाज में गाने गाती है। गाने मतलब ये तुम्हारे फिल्मी गाने नहीं गाती, लेकिन इसकी आवाज इतनी मीठी है, जब बोलती है कू कू तो बहुत सुंदर लगती है ना? इधर उधर यह उड़ती फिरती मीठा गाना गाती है। ये यहाँ वहां, कभी इस टहनी पे कभी उस टहनी पे, कभी इस पेड़ पे कभी उस पेड़ पे उड़ती रहती है और मीठा मीठा गाना गाती है। मीठी मीठी आवाज में कू कू करती है। तो कोयल का सम्मान क्यों करते हैं? क्योंकि कोयल मीठा गाना गाती है। इस पूरी एक कविता से बेटा कवि हमें यही बता रहा है कि भई कोयल की तरह हमें भी मीठा बोलना चाहिए, हमें भी सबसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर हम बहुत सुंदर भी हैं लेकिन हमारी बोली कड़वी है, हम किसी को हमेशा ही खरा खोटा कहते हैं, तो कोई हमारा सम्मान नहीं करता। यदि हम प्यार से बोलते हैं तो सभी हमें पसंद करते हैं। तो अब से आप लोग भी सभी प्यार से बोलोगे ना? हाँ। अब बेटा देखो, इसका कुछ वर्ड मीनिंग है, जो अपने पोएम पढ़ी है ना पीछे, उसके वर्ड मीनिंग है। जैसे न्यारी, न्यारी मीन्स अलग, निरी बिल्कुल, कलूटी मीन्स काली, बोल बोली, प्रिय मीन्स प्यारी, जो हमें प्यारा लगता है वो होता है प्रिय। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। शब्द अर्थ हमने कर लिए हैं, अब करेंगे प्रश्न उत्तर। कोयल की बोली कैसी होती है? कैसी होती है? कोयल की बोली मीठी होती है। कैसी होती है? मीठी होती है। कोयल का रंग कैसा होता है? बताओ, पोएम में आया ना? हाँ, वेरी गुड। कोयल का रंग काला होता है। कोयल का सम्मान क्यों करते हैं? क्यों करते हैं भाई? कोयल का सम्मान क्यों करते हैं? कोयल की मीठी बोली के कारण सभी कोयल का सम्मान करते हैं। मुख्य बात क्या है कि उसका सम्मान करते हैं? क्योंकि वो मीठा बोलती है। ठीक है, क्या आपने कभी कोयल की आवाज सुनी है? और यदि हाँ तो कहाँ सुनी है? बरसात के दिनों में खासकर हमें सुनाई देती है, बसंत ऋतु में खासकर वहां पे कोयल की आवाज पेड़ों में ज्यादातर, जिधर आम ज्यादा होते हैं वहां पे ज्यादा सुनाई देती है, पेड़ों पे कू कू, है ना? आप टेलीविजन पर पशु पक्षियों से संबंधित कौन कौन से कार्यक्रम देखते हैं, उनके नाम बताओ। तो जो तुम देखते हो तो यहाँ पे लिख देना। ठीक है बेटा, कोयल की आवाज की नकल करें, तुम भी बोल के देखो कू कू कू। कोई बहुत प्यारा बोल लेता होगा, किसी से कम बोला जाएगा, लेकिन सभी बोलो इसको। ठीक है बेटा, अब आगे जो शब्द हैं कू कू, तो ये तुम्हें यहाँ पे लिखना है। सुने बोले और लिखें। मैं बोल रही हूं, पहले सुनो मैं कैसे बोल रही हूं,
फिर तुम भी बोलो और इनमें ऐसे ही लिख दो जैसे यहां लिख रखे हैं ऐसे ही। कुकु, प्यारी, कलूटी, सम्मान, इधर उधर, ये यहां पे लिखने हैं और तुम्हें बोलने भी हैं। प्रिय, कैसे बोलोगे? प्रिय, कोयल, यहाँ पे बोलोगे भी और यहाँ पे लिखोगे भी। तो बेटा इस वीडियो में यहीं तक का करेंगे और अगला पोर्शन अपना करेंगे अगली वीडियो में।